अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होंगे। जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं, सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम बनाने लगे हैं चिकन एग रोल बनाने लगे हैं हम आज। सबसे पहले हम उसका मिक्सचर ही तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमने ये 5 आलू ले लिए हैं, इनको हमने उबाल लिया है अच्छे से और छिलका उतार लिया है। ये हमने एक पाव चिकन लिया था, इसको भी, ये बोनलेस चिकन था, इसको हमने उबाल के ये इस तरह से इसके रेशे कर लिए हैं। ये आधा फूल हमने बंद गोभी का लिया था, इसको हमने बारीक सा काट लिया है इस तरह। ये हमने 4 से 5 अदद सब्ज मिर्चें लेके उनको बारीक काट लिया है। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, काली मिर्च पीसी हुई, 1 टीस्पून ये मोटी लाल मिर्चें हैं। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हम आलूओं को मैश कर लेंगे। आलू हमने मैश कर लिए हैं अच्छे से। इसमें चिकन डाल देंगे, साथ ही इसमें बंद गोभी भी डाल देंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही हमने ये जो मसाले लिए हैं ये इसमें डाल देंगे। फिर हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। ये रोल का मिक्सचर बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम रोल की रोटी बना लेंगे। अब हमने एक बोल ले लेना है और ये हमने 6 अंडे ले लिए हैं। सबसे पहले हम अंडे इसमें डाल लेंगे तोड़ के। ये हमने अंडे निकाल लिए हैं 6 एक बोल में। अब हम इनको फेंट लेंगे अच्छे से। ये 6 अंडे हमने फेंट लिए हैं। अब हम इसमें 3 खाने के चम्मच मैदा डालेंगे। ये फुल भर के हम डाल रहे हैं, आपने इससे ज़्यादा नहीं डालना, ऐसे ही 3 खाने के चम्मच मैदे के डालने हैं। साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लावर, ये 1.5 खाने का चम्मच डालना है फुल भर के, 1.5 से ज़्यादा नहीं डालना। ये मिक्दार आपने याद रखनी है, आपने इसी तरह मिक्स करना है जिससे फिर हम जब ये रोटी बनाएंगे रोल की वो बहुत ही अच्छी बनेगी। अब हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपको ये मिक्स करते हुए बैटर घाघा लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा 3 से 4 खाने के चम्मच पानी डालना है आपने, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। साथ ही हमने चूल्हे पर एक पैन रख दिया है, फ्लेम हमने ऑन कर दिया है, फ्लेम हमने हाई रखना है। और सबसे पहले हम ब्रश के साथ इसमें ऑयल लगा लेंगे हल्का सा। ये मिक्सचर आपका इस तरह होना चाहिए। गर्म हो गया है, अब हम इसमें ये मिक्सचर ही डाल देंगे। ये देखिए, ये डाल के इसको अच्छे से फैला लेना है, और जो ज़्यादा होगा उसको हमने वापस बोल में डाल देना है। ये देखें, ये साथ चिपक गया है और इसकी रोटी बन गई है एक। ये बहुत ही आसानी से साथ से उतर जाएगा खुद ही। ये देखें, ये पकने भी लग गया है। फ्लेम हम हाई रखेंगे, स्लो नहीं करेंगे। ये देखें, फ्लेम हाई रखने की वजह से ये खुद ही रोटी जो बनी है ये साथ से अलग हो गई है। अब हम इसको डिश में निकाल लेंगे। ये देखें, इस तरह की हमारी रोटी बन जाएगी। अब बना लेंगे। ये देखें, इसी तरह हमने सारे मिक्सचर की रोटियां बना लेनी है। ये हमने रोटियां बना ली हैं। ये देखें, ये कितनी रोटियां बन गई हैं, 12 तकरीबन 12 रोटियां बन गई हैं ये अंडे की। ये देखें, ये थोड़ा सा मिक्सचर जो हमारा बच गया है एक रोटी का, इसको हमने, इसके अंदर हमने एक अंडा और फेंट लेना है, और जब हम इसको रोल को फ्राई करने लगेंगे तब ये उसके ऊपर लगा देंगे। इसकी हमने रोटी नहीं बनानी, इसके अंदर हमने एक अंडा फेंट के रख लेना है इसको। रोटियां हमारी बन गई हैं, अब हम इसमें अंडा फेंट लेंगे। हमने इसमें मिक्स कर लिया है, अब हम इसको एक साइड पर रख देंगे। अब हमने एक प्याली ले ली है, इसमें हम 2 भर के चम्मच मैदे के डाल देंगे, और इस साथ हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे।
ताकि हमारे होल आसानी से बंद हो जाएं। ये मैदे को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस तरह का आपका मैदा होना चाहिए, ये देख लें, ताकि हमारे रोल आसानी से जुड़ जाएं। इसके साथ हम रोल को जोड़ लेंगे। ये जो रोटी की पकी हुई साइड होगी उसको हमने ऊपर रखना है और उसके ऊपर हम ये मिक्सचर लगा के रोल बना देंगे इसका। एक मिक्सचर हमने इस साइड पर रखा है जिस साइड पर ये हमारा थोड़ा सा निकला होगा, ताकि ये हमारे आसानी से रोल हो सके। दोनों साइडों से हम फोल्ड करेंगे इनको। अब हमने ये जो मैदे का बनाया था ये हम इसके ऊपर ही लगा लेंगे, ताकि हमारे रोल खुले ना। रोल को आपने फुल टाइट सा बंद करना है, ताकि ये मिक्सचर एक जैसा रहे, एक जैसा रोल हमारा बने। अब हम दूसरा रोल बना लेंगे। ये देखें, पकी हुई साइड हमने ऊपर रखी है, पकी हुई साइड के ऊपर हम ये मिक्सचर ही लगाएंगे और इसको रोल कर देंगे। इसको हमने दबा के रोल करना है दोनों साइडों से। दोबारा फोल्ड करेंगे, मैदा लगा लेंगे, ये हमारा रोल फोल्ड हो गया है। रोल हमारे तैयार हो गए हैं। ये हमने पहले से ही बनाया हुआ था, ये जो मिक्सचर बचा था उसमें हमने अंडा फेंट लिया था। इसको हम एक दफ़ा फिर से मिक्स करेंगे। एक कढ़ाई में हमने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए, फ्लेम हमने ऑन किया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम रोल को फ्राई कर लेंगे। ये देखें, इसको इसमें डिप करना है, अच्छे से ये लगा लेना है इसके ऊपर और इसको ऑयल में डाल देना है। ये देखें, ये हमारे रोल फ्राई हो रहे हैं जो पहले डाले हैं। अब हम उनकी साइड चेंज करेंगे। ये रोल को हमने तेज आंच पे फ्राई करना है और इसको हमने गोल्डन होने तक पकाना है। हमने तेज आंच पे इसको पकाना है क्योंकि पहले से ही सारा मिक्सचर ही पका हुआ है। इसको हमने बस गोल्डन करना है और ही निकाल लेना है। देखें, ये हमारे लाइट गोल्डन हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। बस हमने इनको थोड़ी देर ही पकाना है। ये देखें, ये हमारे रोल तैयार हो गए हैं। माशाल्लाह से इनका बहुत ही अच्छा कलर आया है और इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इनको काट के दिखाते हैं आपको। ये देखें, ये बहुत ही टेस्टी सा रोल बन गया है। आप हमारी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। ये रोल बहुत ही आसान है, आप इसको जरूर ट्राई करें। रमज़ान आने वाले हैं तो इफ्तारी में ये लोग बहुत पसंद करते हैं। आप ये ज़रूर बनाएं, पहले ट्राई करें, ताकि आपको रमज़ान में आसानी से बनाने आ जाएं। अब मिलेंगे हम एक न्यू रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।